बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हेलो गाइस, वेलकम टू लीगल यूट्यूबर चैनल। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, काफी ज्यादा लोग पूछते हैं कि सर कोई इजी प्रोग्राम के बारे में बताओ जिसमें कोई एजुकेशन की रिक्वायरमेंट ना हो, कोई आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट ना हो और ना ही फंड्स की रिक्वायरमेंट हो, फिर भी हम कनाडा का परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई कर पाए या फिर हासिल कर पाए। तो दोस्तों, कनाडा कुछ शॉर्ट प्रोग्राम्स ऐसे निकालता है जिसमें रिक्वायरमेंट्स काफ़ी ज़्यादा कम होती है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ वो ऑक्यूपेशन अप्लाई कर सकते हैं जो कि इन डिमांड है। तो ऐसे ही दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि ऐसे प्रोग्राम की जहां पर आप अप्लाई तो कर सकते हो लेकिन यहाँ पे लिमिटेड सीट्स मौजूद हैं। अगर जिन लोगों ने पहले अप्लाई कर लिया वही इसके अंदर सेलेक्ट हो जाएंगे। तो चले दोस्तों, करते हैं इस वीडियो को शुरू। मेरा नाम है राजिक और आप देख रहे हैं लीगल यूट्यूबर चैनल। तो चले शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो या प्लीज नीचे रेड बटन होगा उसको दबा दो, बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलना ताकि आपको मेरा हर नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। दोस्तों, इस प्रोग्राम का नाम है मॉडर्न कम्युनिटी ड्राइवन इमिग्रेशन इनिशिएटिव, जिसका शॉर्ट फॉर्म है MCDII। दोस्तों, इस प्रोग्राम का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इस प्रोग्राम में आपको कोई एजुकेशन की नीड नहीं है, ना ही आपको किसी फंड की रिक्वायरमेंट है। नंबर 3 के ऊपर जो आपको चाहिए वो है आईएलटीएस, जो कि होना चाहिए 5.0 बैंड, और इस प्रोग्राम के तहत आपको कनाडा की परमानेंट रेजिडेंसी भी दी जाएगी। दोस्तों, जैसे रिसेंटली आपने न्यू प्योरिटी स्किल्ड स्ट्रीम देखी थी, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया और अब उसके अंदर स्पेस ख़त्म हो चुका है। अब जिन लोगों ने भी वापस अप्लाई करना है या फिर अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो उन्हें नेक्स्ट राउंड का वेट करना होगा। जब नेक्स्ट राउंड आएगा तो फिर वो दोबारा से अप्लाई कर पाएंगे। ऐसे ही दोस्तों, इस प्रोग्राम के अंदर भी सिर्फ 50 सीट्स अवेलेबल हैं, तो जिन लोगों ने भी पहले अप्लाई कर लिया वही जाहिर सी बात है इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। और ये स्ट्रीम हर साल जो है वो 50 लोगों को वेलकम करेगा, उसको और उसकी फैमिली को। अच्छा, अब इस प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करने के लिए आपको कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत नहीं है और साथ ही में आपको किसी किस्म के पैसों की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें अप्लाई करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सबसे पहले कुछ ऑक्यूपेशंस हैं जो कि इन डिमांड ऑक्यूपेशंस हैं, जिसमें अगर आपका ऑक्यूपेशन मौजूद हुआ तो ही आप इस प्रोग्राम में अप्लाई कर पाओगे। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये प्रोग्राम वर्क कैसे करता है। तो ये एक मनीटोबा के सिटी का प्रोग्राम है और इस सिटी का नाम है मॉडर्न। दोस्तों, इस सिटी के अंदर जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 10,000 के करीब है। साथ ही दोस्तों, ये सिटी रूरल एरियाज के अंदर काउंट किया जाता है जहां पर ज़्यादातर फार्मिंग की जाती है, फैक्ट्रीज मौजूद है, इसके अलावा कुछ इंडस्ट्रीज मौजूद हैं। अब ये विलेज दोस्तों हमारे पाकिस्तान या फिर इंडिया की तरह नहीं है, बल्कि इनके विलेज में आपको जाकर ऐसा लगता है कि आप किसी विलेज में नहीं किसी अच्छी सिटी के अंदर मौजूद हो। साथ ही दोस्तों, ये प्रोग्राम जो है वो मनीटोबा पीएनपी के साथ ही वर्क करता है। अब मनीटोबा पीएनपी के अंदर सिर्फ वो लोग ही अप्लाई कर सकते हैं जिनका कोई रिलेटिव जो है वो मौजूद हो मनीटोबा में। लेकिन दोस्तों, इस प्रोग्राम की सबसे खास बात यह है कि इस प्रोग्राम में सिर्फ वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनका कोई रिलेटिव मौजूद नहीं है मनीटोबा में। अगर आपका रिलेटिव वाकई में मौजूद है मनीटोबा के अंदर तो फिर आप इस प्रोग्राम के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आप इस प्रोग्राम में एलिजिबल नहीं हो। इस प्रोग्राम में सिर्फ वो लोग ही एलिजिबल हैं जिनके कोई रिलेटिव मौजूद नहीं है मनीटोबा में। तो ये बहुत अच्छी बात है कि मनीटोबा पीएनपी अब उनको चांस दे रहा है जिनके कोई रिलेटिव नहीं है, क्योंकि दोस्तों मनीटोबा पीएनपी में बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं। सिर्फ वो लोग अप्लाई करते हैं जिनका कोई ना कोई रिलेटिव मौजूद हो। देखा जाए तो ये बहुत आसान प्रोग्राम भी कहलाया जाता है, लेकिन बस उनके लिए जिनका कोई ना कोई मौजूद हो, वरना आम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस प्रोग्राम के अंदर वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनका कोई रिलेटिव मौजूद नहीं है। अब अगर आप इस प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना चाहते हो तो फिर आपने क्या करना होगा। सबसे पहले दोस्तों, आपने ये देखना है कि जो एलिजिबल ऑक्यूपेशंस हैं उसके अंदर आपका ऑक्यूपेशन मौजूद है या फिर नहीं। अगर आपका ऑक्यूपेशन मौजूद है तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा सकते हो। फिर आपने देखना होगा कि आपका जो आईएलटीएस है वो 5.0 बैंड होना चाहिए। अगर आपका आईएलटीएस जो है वो 5.0 बैंड है तो फिर आपने करना ये होगा कि अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है, तो वहां पर आपको एक फॉर्म देखने को मिलेगा जो कि 5 पेज का फॉर्म है। दोस्तों, उसके अंदर कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपने उस 5 पेज के फॉर्म को फिल करना है और फिर सबमिट कर देना है। अगर आप इस प्रोग्राम के अंदर एलिजिबल हुए तो फिर आपको नॉमिनेशन सेंड की जाएगी।
अच्छा, वो नॉमिनेशन लेटर आने के बाद आपने करना ये होगा कि आपने मनीटोबा पीएनपी स्किल्ड वर्कर कैटेगरी में अप्लाई करना है इस नॉमिनेशन लेटर के साथ, और फिर आप एलिजिबल हो जाओगे कनाडा की परमानेंट रेजिडेंसी हासिल करने के और मनीटोबा के इस सिटी में जाने के। तो चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं कि ऐसे कौन से ऑक्यूपेशंस हैं जो कि इन डिमांड है और इनकी वेबसाइट के ऊपर इन्हें डाला गया है। अब दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर ये चीज मेंशन है कि वो हर साल जो है वो 50 फैमिलीज को वेलकम करेंगे कनाडा के अंदर। अब दोस्तों, यहाँ पर इन डिमांड जॉब्स जो है वो मेंशन की गई है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका एनओसी आपको पता होना चाहिए कि आपका एनओसी नंबर क्या है। तो यहाँ मैं आपको बताते चलता हूँ कि सबसे पहला जो है वो है एनओसी 7312 जो कि है हैवी ड्यूटी मैकेनिक्स के लिए, इसके अलावा ट्रक्स एंड एग्रीकल्चर इक्विपमेंट के लिए जिसके अंदर नो एक्सप्रेस एंट्री रिक्वायर्ड है। इसके अलावा नंबर टू के ऊपर है एनओसी 7237 जो कि वेल्डर्स के लिए है। ठीक है, अगर आप वेल्डर हो तो फिर आप बहुत आसानी इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हो और इसके लिए भी आपको नो एक्सप्रेस एंट्री रिक्वायर्ड होगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं एनओसी 3236 की जो कि है मसाजर के लिए, इसके अंदर एक्सप्रेस एंट्री रिक्वायर्ड है आपको, तो एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल आपके पास होनी चाहिए। अब नंबर फोर के ऊपर है एनओसी 9536 जो कि इंडस्ट्रियल पेंटर्स के लिए है, तो इसके अंदर भी नो एक्सप्रेस एंट्री रिक्वायर्ड है। इसके बाद है दोस्तों एनओसी 9526 जिनके अंदर मैकेनिकल असेंबलर्स हैं, इसके अंदर भी आपको नो एक्सप्रेस एंट्री रिक्वायर्ड है। इसके बाद बात की जाए दोस्तों एनओसी 9437 है जो कि वुड वर्किंग मशीन ऑपरेटर्स के लिए है और इसके अंदर भी नो एक्सप्रेस एंट्री रिक्वायर्ड है। अब दोस्तों, ये आप देख सकते हो कि ये कुछ ऑक्यूपेशंस हैं या कुछ जॉब्स हैं जो कि इन डिमांड है इस सिटी के अंदर, और ये आहिस्ता आहिस्ता चेंज भी होती रहेगी। ऐसा नहीं है कि ये हमेशा यही ऑक्यूपेशंस रहेंगे, हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर जो है वो दूसरे ऑक्यूपेशंस हो। तो इस तरीके से आप इनकी वेबसाइट को चेकआउट भी कर सकते हो, लेकिन जिन लोगों ने पहले अप्लाई कर लिया अगर उनका ऑक्यूपेशन मौजूद है तो फिर वो कनाडा जा पाएंगे। अब जिन लोगों को भी अप्लाई करना है तो वो यहाँ पर आके रेडी टू अप्लाई के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अब रेडी टू अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस किस्म का फॉर्म आ जाएगा जो कि तकरीबन भी दोस्तों 5 पेज का है, और ये 5 पेज का आपने फॉर्म जो है वो फिल करके सबमिट कर देना होगा इस ईमेल के ऊपर। अब यहाँ पे सेंड करने के बाद दोस्तों होगा ये कि वो तमाम चीज़ों को चेक करेंगे और अगर आप वाकई में एलिजिबल हुए तो फिर आपको नॉमिनेशन सेंड कर दी जाएगी और फिर आप जो है वो मनीटोबा पीएनपी स्किल वर्कर की कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो वो नॉमिनेशन लेटर के साथ, और आपको गारंटी कनाडा का परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम चीज़ें समझ आ गई होगी। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं बिल्कुल रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर प्लीज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।